अस्सलामुअलैकुम। आज हमने आपके लिए डेज़र्ट तैयार किया है, वो भी सिर्फ तीन या चार चीज़ों के साथ। नहीं, हमने इसमें अगर अगर और कोई जेलेटिन भी इस्तेमाल नहीं किया है, ताकि आपको रहे बहुत ही आसानी। ये इतना अलग डेज़र्ट है कि आप एक बार बनाएंगे, बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जिसके आगे सर्व करेंगे वो भी यकीनन खुश हो जाएगा। तो ये देखें कितने अच्छे से ये हुआ है सेट। तो ये एकदम अलग सी रेसिपी, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 लीटर कच्चा दूध और इसमें डाल देते हैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 ही टेबलस्पून मैदा डाल देते हैं। आधा कप हम इसमें चीनी डाल देते हैं और इसको अच्छे से पहले करते हैं मिक्स। अभी हमने इसको फ्लेम पर भी नहीं चढ़ाया है, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। और आप देखें, इसको आपको इतना पकाना है, ऐसा उबाल आने के बाद भी 5 से 6 मिनट आप इसको पकाते रहें। ये जितना गाढ़ा होगा इतनी ही जल्दी ये सेट भी होगा। इसकी रिबन जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस और अच्छे से पकाना भी ज़रूरी है, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी निकल जाए, चक्कर भी देख सकते हैं। तो अब ये एकदम से सेट होने के लिए है तैयार। तो इसको किचन स्लेब पर रखकर हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसकी दूसरी लेयर की तैयारी करते हैं। तो हमने ये फ्रेश ऑरेंज लिए हैं, जिसके ये सीड्स इस तरह से हटा दिए हैं, और इससे हल्का सा यूँ घुमाएंगे और इसका ये जूस तैयार हो जाएगा। लेकिन आप ये जूस मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और इसको छान ज़रूर लें आप। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून चीनी भी डाल देते हैं। आपका जूस मीठा है तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, और फिर इसको पकने के लिए चढ़ा देते हैं। अब हम इसको पकाएंगे, और इसको आपको जो आपने पहले वाला सेट किया है उससे भी गाढ़ा ये आपको तैयार करना है। इसको पकाते रहते हैं, और ये देखें, ये हमें जैसा चाहिए था उस तरह का एकदम गाढ़ा पक के और सेट होने के लिए तैयार है। लेकिन अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा हिला हिला कर ठंडा कर लेते हैं। और ये भी हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है, तो अब हम इस पे ये दूसरी लेयर डालेंगे। लेकिन बहुत ध्यान रखें, इस तरह से फैलाते हुए डालना है। एक ही साथ डालेंगे तो वो नीचे वाली में मिक्स हो सकती है। तो इस तरह से आराम आराम से थोड़ा फैला फैला के आपको ये डालना है। तो जब यूँ अच्छे से पूरा डाल दें, तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं गार्निश। ये देखें कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी ये दोनों तय और डिज़र्ट। तो हम इसको बारीक बारीक जो हमने पिस्ता किया है कट, तो इसको इस तरह सजा सकते हैं, या फिर आप किसी और तरह से भी इसको बासानी सजा सकते हैं। तो अभी हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, कम से कम 3 से 4 घंटे या पूरी रात के लिए भी छोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया ये आपका डेज़र्ट तैयार होगा। तो मैंने इसको छोड़ा था पूरी रात के लिए। तो ये हुआ है बहुत बढ़िया से सेट, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसमें अपनी मनचाहे या फिर जितने पीसीज हमें सर्व करने हैं उसके मुताबिक आप इसमें कर्ड्स लगा सकते हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया सेट हुआ है, 3 या 4 चीज़ों से बहुत आसानी से, बहुत ही जायकेदार। तो ये हमने एक पीस निकाला है आपके लिए। तो इस तरह से या फिर इतने बड़े कट करके पीसेस आप सर्व कर सकते हैं। इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो हमारे चैनल पर जो ये रेड बटन है इसको क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये एकदम फ्री है। और इसको बनाएं, बनाकर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको देखकर मज़ा आया या नहीं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।